तो बच्चों अब हम करने वाले हैं सिक्स क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ वन कॉम टू वन सिक्स वन अपॉन एट रेशियो वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव और ये ठीक है तो देखिए फर्स्ट वाला मैं आपको बहुत ही लो लेवल से बताऊंगा बाकी मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट करने वाला हूँ तो देखिए वन का सब डुप्लीकेट रेशियो है ना सिक्स डुप्लीकेट नहीं है ट्रिप्लीकेट है बच्चों ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लिकेट सिक्स वाला है बच्चों सब ट्रिप्लीकेट रेशियो अब जो ट्रिप्लिकेट रेशियो है बच्चों इस पे क्या होता है अंडर रूट क्यूब लगता है ना अंडर रूट क्यूब लगता है तो देखिए वन का क्यूब अंडर रूट रेशियो अंडर रूट क्यूब ऑफ टू वन सिक्स तो देखिए वन का तो ऑबियसली बात है वन ही रहने वाला है ठीक है तो वन का कुछ भी हो अंडर रूट हो तो स्क्वायर हो अंडर रूट हो वन ही होता है अब यहाँ पे है इस पे तो टू वन सिक्स क्या है तो बच्चों एक काम करता हूँ मैं इसको टू वन सिक्स को ये अगर अंडर रूट क्यूब आपको निकालना है तो ये कैसे निकलता है देखो मैं बता देता हूँ टू वन सिक्स अगर मैं इसका इसका फैक्टर निकालूँ तो यहाँ पर ना जो भी होगा जैसे हम इसको उसमें करते थे फैक्टर निकालते थे और उसमें पेयर्स में लेते थे है ना तो यहाँ पे क्या है ट्रिपलेट्स यहाँ पे तीन लेंगे तीन के जोड़े बनेंगे तीन के जोड़े बोल रहा हूँ मैं ट्रिपलेट्स बनेंगे जोड़े तो दो के होते हैं तीन के ट्रिपलेट्स uh, बनेंगे तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ इसको मैं सिक्स से करने वाला हूँ तो ये हो जाएगा सिक्स सिक्स uh, थी या एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स 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 जहाँ थर्टी सिक्स फिर ये हो जाएगा सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स और फिर ये हो जाएगा सिक्स बन जाएगा तो देखिए ये तीन का पूरा ये क्या बन गया ट्रिपलेट बन गया तो ये देखो ये अंडर रूट में था अंडर रूट अंडर रूट, रूट ये भी पूरा अंडर रूट में था तो ये हो जाएगा अंडर रूट सिक्स का क्यूब तो ये क्या हो जाएगा बच्चो टू वन सिक्स जो था वो हो जाएगा सिक्स है ना तो देखिए यहाँ से ऐसे कर कर ये कितना आ जाने वाला है सिक्स आ जाएगा तो देखिए बड़ा इजी है बच्चों ये ऐसी ही अब सब टिप्लीकेट रेशियो ऑफ ये निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वन अपॉन अंडर वन अपॉन एट का क्यूब रेशियो क्यूब रूट ऑफ वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव तो देखिए ये हो जाएगा बच्चों वन अपॉन टू रेशियो वन अपॉन फाइव अगर मैं इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा फाइव रेशो टू विच इज़ बहुत ही ईजी अब हम करते हैं थर्ड वाला थर्ड वाला भी काफ़ी ईजी है बच्चों ये है ट्वेंटी सेवन ए क्यू रेशो सिक्सटी फोर बी क्यू अब इसका अगर मैं ट्रिप्लिकेट रेश अब मैं अगर इसका क्यूब रूट करूँ तो क्यूब रूट में कितना हो जाने वाला है बच्चों थ्री थ्री नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन थ्री ए रेशो फोर बी हो जाएगा तो, कितना ईजी हो गया बच्चों ये भी चलो तो अब करते हैं बच्चों सेवंथ हमारा सेवन्थ क्वेश्चन